दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ के इस लाइव बैक फ्लावर वेबिनार सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो फ्लावर एसेंस है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और होप आप सभी को ये कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत यूजफुल होने वाला है। आज का हमारा जो फ्लावर एसेंस है उसका नाम है मिमुलिस। मिमुलिस को तो वैसे एक शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं कि फियर विच इज नोन नॉन फियर, जो जो चीजें हमें पता है, जिसका नाम दे सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वैसे अगर जो फियर है नॉन फियर, उसके लिए रेमेडी मिमुलिस है। पर आज आई होप कि आप थोड़ा उससे बेटर, उससे वन लेवल अप जान पाएंगे मिमुलिस के बारे में। सो आज के हमारे जो स्पीकर है, हमारे सबसे पहले मेन हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, हमारे डॉक्टर रितु सिंघवी मैडम और मैं। तो चलिए कर ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ सर प्लीज कम। थैंक यू डॉक्टर सोनल मैडम, डॉक्टर रितु मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आज से यूँ समझो ना कि मैं कुछ अलग ही हो गया हूँ। पहले मुझे आप दोनों से बहुत डर लगता था कि कुछ ये कुछ बोल ना दे, ये कुछ मेरा इंसल्ट ना कर दे, कहीं मेरी गलती ना हो जाए। बट अब मेरा डर भाग गया है। स्टेज का जो मुझे फियर रहता था, आप सबके सामने या जो हमारे मेंबर्स है उसके सामने बोलने का जो मुझे डर रहता था ना, वो सब निकल गया है। एक टपोरे की भाषा में बोले ना तो डर की मैंने ऐसी की तैसी कर दी है। वो आपकी आवाज से भी लग रहा है, ऐसा कैसा ऐसा हुआ? मतलब ठीक है, हम आपको लगता है हम डराते थे, लेकिन ऐसा नहीं। आज की मेरी आवाज और आज का मेरा कॉन्फिडेंस देख के आप समझ गए होंगे ना कि दादा आज कुछ अलग ही मूड में है। हाँ बात तो सही है, लेकिन डराया तो नहीं हमने कभी, लेकिन आप आज आप मतलब लेकिन मुझे तो डर लगता था ना आप दोनों का, तो हाँ तो आज ये डर को मैंने भगा दिया है। अब और कैसे भगाया? बिंदास बोलूंगा, आप जो पूछो मैं जवाब दे दूंगा। आता है तो भी जवाब दूंगा, नहीं आता है तो भी जवाब दूंगा। क्या ऐसा क्या किया था हुआ, मैंने, आज ऐसा क्या तो हुआ? संडे था, फ्राइडे से लेके मैंने मिमुलस और लाग दोनों का कॉम्बिनेशन के 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक और है। रिजल्ट आप देख रहे हैं वो आज। हाँ ये बात तो अब आपकी बिल्कुल सही है कि आज आपकी आवाज में एक निडरता है। हाँ नस लेकिन कौन सा हाँ है? जी, नस नथवा उधरे है? क्या हाँ बोल रहे साहब? दादा, हाँ लेकिन मैडम जी, एक फियर तो अभी भी रहता है। फिर भी कैसा किया दादा? हाँ, आप जानते हो ना कि मेरे ऑनलाइन बहुत से पेशेंट हैं। कई कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पेशेंट आता है, मोस्टली हमारा जान पहचान वाला ही होता है, ग्रुप मेंबर, या तो ग्रुप मेंबर के द्वारा आया हुआ, तो मैं उनको है ना फीस का नहीं बोल सकता, मुझे डर लगता है कहीं कहीं दादा उसको बुरा लग गया तो। नहीं दादा, वो ऐसा है ना कि तो फ्रेंड, हमारे प्यारे मेंबर, ये हमारी आज की स्टार्टिंग है मिमुलस को लेके। और जो लोग हमारे होम्योपैथ डॉक्टर है, वो अपनी होम्योपैथी में एकोनाइट में ये सब देख सकते हैं, अर्जेंटिनम नाइट्रिकम में ये सब देख सकते हैं, जेल्सियम में ये सब देख सकते हैं, और काली ब्राउन में ये सब सिम्टम देख आगे क्या बोलूं। अब ये फियर है, फियर क्या है? फियर को लेके तो हम जन्म से ही फियर को लेके आते हैं ना, तरह तरह के फियर। बट हमारा मिमुलस का फियर वो फियर है ना कि जिसको हम नॉन फियर बोलते हैं, जिसको हम बता सकते हैं, और सामने वाला जो आपको ट्रीट करने वाला है वो आराम से समझ जाता है कि इसको कौन सा फियर है। इसको बोलते हैं नॉन फियर, जिसकी आउटलाइन पेशेंट बता सकता है और ट्रीट करने वाला भी वो आउटलाइन समझ सकता है। वैसे अगर देखा जाए ना तो
रिमूलर्स के अंदर बहुत से सारे फियर्स आते हैं, एग्जाम का फियर, इंटरव्यू का फियर, एनिमल का फियर, अंधेरे का फियर, अकेलेपन का फियर। अगर ये सब मैं बताता रहा ना तो पूरा का पूरा टाइम यहीं पे निकल जाएगा, तो ये सब नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा ये बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं तो रिमूलर्स का डर जो है ना वो नॉन फियर है, पूरा जो पहले हमने सीखा ना अस्थिर वो अनफियर है, अननॉन फियर है। पेशेंट वो फियर के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन रिमूलर्स में बता सकता है। सॉरी, बारिश की बहुत सी आवाजें हैं, बहुत स्पीड से मैं खत्म करूंगा। जैसे कि फियर की रेमेडी बहुत सारी है, रेस्टेशनर है, अस्टेन है, मिमुलस है, मस्टाज है, रोक रो, बट मिमुलस जो है वो अपना नॉन फियर के लिए है। जिस फियर को पेशर जानता है, पहचानता है, फिर भी डरता है, अपने डर के बारे में बता भी सकता है कि मैं वो ये चीज से डर रहा हूँ। दूसरी खास बात ये है कि ये पेशेंट टाई बाय नेचर शर्मिले प्रकृति का होता है, शर्मार। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे, शर्मिले बहुत होते हैं, ये भी एक फियर का एक टाइप ही है, ठीक है। ओके, बारिश की आवाज आपको बहुत पता रही होगी। ओवर टू डॉक्टर सोनल मैडम, डॉक्टर नीतू। सोनल मैडम, ओके, ऑडिबल? यस, थैंक यू सो मच दादा। ऑलमोस्ट एवरीवन, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दादा ने जो बोला है निम्बुलस में सिर्फ इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज, मैं आपको, मैंने जैसे बताया कि वन लेवल अप मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। निम्बुलस आप सबको पता है, नॉन फियर, ऐसा फियर जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम नाम बता सकते हैं और हमें बता सकते हैं और हमें पता है कि वी आर अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, ठीक है, दिस इज निम्बुलस। बात ये आती है फियर क्या है, ठीक है। फियर एक्चुअली क्या है कि अपनी बॉडी और अपने ब्रेन का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इन द सेंस हमें डर क्यों लगता है, कुछ कुछ डर जिसके अंदर हमें इनबिल्ट है। डर इसलिए लगता है ताकि हम वो चीज से केयरफुल रहे, लाइक फियर ऑफ फायर, आग का हमें डर लगता है, पर ऐसा नहीं कि आग देख के हम डर जाते, नहीं, पर आग के कुछ प्रॉक्सिमेटिक डिस्टेंस में जाने से हम डरते हैं ताकि हम सेफ रहे। हम स्पीड से, हमने अगर गाड़ी 100 की या 110 की स्पीड पे जा रही है तो हम धीरे धीरे पैनिक होने लगे, क्यों, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारी कार कहीं से क्रैश हो जाए, तो वो डर हमें अपनी स्पीड लिमिट से पीछे धकेल देता है, तो हम सेफ रहे। तो डर अपने बॉडी में जरूरी है ताकि हम सेफ रहे। दूसरे, डर बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि डर कोई इंसान का होता है या फिर कोई जानवर का होता है, ऐसा जरूरी नहीं। डर कोई चीज का भी हो सकता है, लाइक फियर ऑफ नीडल, लोगों को नीडल से, इंजेक्शन से डर लगता है। फियर ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन एज इन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग में जरूरी नहीं है कि उनको थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस के सामने जाना, पब्लिक स्पीकिंग मतलब हो सकता है उनको छह लोगों के, जैसे वो दो फ्रेंड्स अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक कमरे में पांच से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो वो बात नहीं कर पाते। जैसे दादा ने बोला शाइनेस, Shyness is also a fear, timidness, stammering, जो हकलाते हैं लोग, बचपन से नहीं हकला रहे हैं लेकिन अगर बोलते बोलते पांच लोगों के बीच, दो इंसान अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन पांच लोगों के बीच में उनकी स्पीच स्टैमर हो रही है, स्टैमरिंग इज वन। पब्लिक स्पीकिंग है, बहुत बड़ी जगह पे जाने से डरना, ओपन प्लेसेस जैसे सिनेमा हॉल है, मॉल्स है, या तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना डर लगता है, या तो क्लोज्ड स्पेस मतलब एक पतली गली में से निकलने में डर लगता है, या तो लिफ्ट एयर, अपना जो लिफ्ट है उसके अंदर बंद होने से डर लगता है। थंडर स्ट्रॉम, बिजली से डर लगता है, उसके कड़ाकों से डर लगता है, ज्यादा बारिश से डर लगता है। हो सकता है एनिमल फियर भी हो, डॉग है, लिजर्ड्स है, कॉकरोचेस है, इंसेक्ट्स, कैट्स, उसके भी डर लगते हैं। कभी कभी स्ट्रेंजर्स की भी हमें ज्यादा डर लगता है, कोई इंसान जिसको हम जानते नहीं है उनसे बात करने में भी हमें डर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे डर है जो जरूरी नहीं है कि दिखे पर अंदर इनबिल्ट। बात यह है कि डर
कि क्या रीजन है, क्यों, जैसे दादा ने बताया कि हम जन्म से डर लेके आए, ऐसा क्यों? ठीक है, पहली बात, सबसे पहला रीजन है हमारे जेनेटिक्स, हमारे एंसेस्टर्स के ऊपर से हमें मिलते हैं हम, मतलब पहले जो आदि मानव के जमाने की बात का जो है, वहां पे वो लोग जंगलों में रहते थे, तो वहां पे स्पाइडर्स हैं, स्नेक्स हैं। देखिए मैंने अपनी जिंदगी में कभी सांप नहीं देखा है, ठीक है, बट स्टिल आई फियर इट, कि मुझे सांप से डर लगता है अगर मेरे सामने, क्योंकि मैंने तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है सांप, तो मुझ में सांप का डर क्यों है? क्योंकि हमारे जीन्स में वो सांप से डर है, वो अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो फर्स्ट रीजन है कि हमारे जीन में से इवॉल्व होके कुछ डर आए हैं, फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ स्नेक्स, ऐसे। दूसरा, जैसे दादा ने बोला है, जन्म के बाद हमें कुछ फियर पिलाए जाते हैं, जैसे हमारी मम्मी बोलती है कि बेटा वहां पे मत जाओ गिर जाओगे, बेटा उससे मत छुओ जल जाओगे, बेटा वहां पे मत जाओ भूत आ जाए, ठीक है। तो कुछ कुछ फियर्स है जो हमें जन्म के साथ हमारे पेरेंट्स से पिलाए गए हैं। लाइक माय हस्बैंड, वो अभी भी कभी बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे मेरी मदर बोलती थी कि सो जा नहीं तो बाबा आ जाएगा, वो टन टन बाबा। तो अभी भी वो बड़ा हो गया, ठीक है, उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी भी अगर कोई उसको बोल दे कि भाई टन टन बाबा आ रहा है, तो उसके अंदर कुछ हलचल थी, कुछ अनइजीनेस था मुझे। सो कुछ डर है हमें पिलाए गए हैं। तीसरी चीज है कि कुछ डर है जो हमारे पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से, बचपन में अगर कहीं पे आप डूबते डूबते बचे हो, ठीक है, तो अभी तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी अगर आप सिमिलर सिचुएशन में आ गए, कहीं पे स्विमिंग पूल में आपको किसी ने धक्का मार दिया और अचानक से वो फियर ट्रिगर हो, ठीक है। सो ये सारे रीजन है फियर पे, कुछ इनबिल्ट होते हैं, कुछ जेनेटिक्स में है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस पे से आते हैं। तो बात ये है कि डर तो हम सबको लगता है, ठीक है, हो सकता है कि हमें पता है कि वो इररिलेवेंट डर है, फिर भी हमें लगता है। तो क्या सबको हमें मेडिसिन की जरूरत है? आप बोलते हैं कि हाँ मुहा सही बात है, मैं म्यूमुलस लेती हूँ तो मुझे डॉग से डर है वो चला जाएगा। नहीं, म्यूमुलस आपका कोई भी फियर को जीरो नहीं करेगा। म्यूमुलस क्या करेगा कि आपको एक हद के लेवल से अगर आपको ज्यादा फियर लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी डे टू डे एक्टिविटी जो है वो हैम्पर्ड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जॉब है एक सिटी छोड़ के है, वहां पे मेरे को 6 ब्रिजेस क्रॉस करने, पर मुझे एक्सट्रीम फियर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिजेस है, मैं ब्रिज के ऊपर से जा ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। पर ये तो मेरे डे टू डे, मैं जॉब कैसे करूं, मैं सर्वाइव कैसे करूं? अगर वो एक्सट्रीम फियर है तो वो इंसान को म्यूमुलस की जरूरत है, वो उसका डर जीरो नहीं कर देगा, पर हाँ इतनी कंडीशन में तो ला देगा कि वो आराम से अपना काम कर सके, ठीक है। कोई इंसान है पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, कॉन्फ्रेंस रूम में 4 लोगों के बीच में आने से डरता है, पर उसका काम ही है प्रेजेंटेशन देना, उसकी वजह से वो हैम्पर्ड हो रहा है, उसका इंटेलिजेंट है सब कुछ है लेकिन 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पा, तो वहां पे म्यूमुलस काम करेगा। तो नहीं तो कहे कि भाई मुझे लिजर्ड से डर लगता है तो मैं म्यूमुलस लिखूं, लिजर्ड का डर जीरो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। दूसरा, कहां देना है म्यूमुलस? कभी देखिए, फियर इज जस्ट अ सेल, इट्स अ इमोशन, कि भाई अंदर फियर है, बात खत्म। फियर करता क्या है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। जैसे कुत्ता पीछे पड़ रहा है, ठीक है, अचानक से हमारा एमिग्डाला एक्टिवेट हो जाएगा, अपनी बॉडी के हॉर्मोन्स है कॉर्टिसोल से वो एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे पाम स्वेटी हो जाएंगे, हमारा ब्लड फ्लो एकदम रशिंग टू द लिम्स हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, ब्लड रश फास्ट हो जाएगा, लाइक वी इंस्टेंटली भागने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है, नॉर्मली चलता है। पर जब हम आराम से बैठे हैं, अचानक से हमारा फियर ट्रिगर हो, और अचानक से हमें पता है कि हमें भागना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, अचानक से हमारे हैंड्स फ्रीज हो जाए, 4-5 लोगों के बीच में बैठे अचानक से फ्रीज हो गए, जैसे कि यू नो इट्स पैनिक अटैक, जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट थिंग गिव्स यू अ पैनिक अटैक, तो वहां पे म्यूमुलस जरूरी है। तो वहां पे बस, तो ऐसे फियर्स जो आपकी डे टू डे लाइफ में हैम्पर करते हैं, ठीक है, वैसे फियर्स के लिए म्यूमुलस है। सो दिस इज इट। अगर डर के आगे, अगर ये जो मैंने आपको बताया सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन की है, उसको फोबिया बोलते हैं। फियर से 2 से 3 लेवल अप फोबिया। फोबिया क्या होता है कि अपना को सिचुएशन अच्छी है पर अपना ट्रिगर ऐसा हो रहा है कि अभी अपने को भागना है, जो अनइजी फीलिंग एंजाइटी, एक्चुअली म्यूमुलस एंजाइटी की रेमेडी है, उसको रेस्क्यू रेमेडी में इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जब हम एक क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं तो हम बहुत एंशियस हो जाते हैं, अपना माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, करना क्या करना कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी अपना माइंड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो म्यूमुलस इज
और वो जो है वो फोबियास की और एंजाइटी की मेडिसिन है। जब कोई इंसान, जैसे दादा ने बोला ना, अचानक से अपने हैंड स्वेटी हो जाते हैं, पैनिक अटैक जैसा शुरू हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए वुंडलेस है। तो कोई इंसान, अगर पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे पानी से डर लगता है तो आप मेरा पानी का डर हटा दो, ऐसे नहीं आएगा। पेशेंट कैसे आएगा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, हाँ अंधेरे से हम सबको डर लगता है, तो पर मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी पहले तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, अभी तो मुझे बाहर जाके हॉस्टल में रहना था, अभी तो मुझे बाहर जाके हॉस्टल में रहना है, मैं अकेले रूम में होता हूँ, कभी मेट्स होते हैं नहीं होते हैं, तो मुझे लाइट चालू रख के सोना पड़ता, तो क्या लाइट चालू रखने से नींद आती है? नहीं, लाइट चालू रखने से भी नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे अकेले रहने से भी बहुत डर है। तो पेशेंट के पीछे का रीजन, तो अंधेरे में सोने से क्यों डर लगता है, कभी पहले ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ जब मैं एक बार अकेले सो रहा था ना, तो अचानक से पीछे से मेरी मम्मी ने मुझे उठा दिया और मैं एकदम बहुत डर गया। ठीक है, तो वहां पे आपको पास्ट के कोई भी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है तो आपको स्टार ऑफ बेथलेहम से शुरू करना है, पहले उसका ट्रॉमा क्लियर करो। ठीक है, कोई पेशेंट आता है आपके पास पैनिक अटैक के स्टेज में, मैंने आपको बीच में एक शायद शेयर किया होगा कि नहीं, मेरा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल केस है, एक इंसान, ही वॉज 42 ईयर्स ओल्ड मेल, आया हाइपरटेंशन की वजह से, वो बोल रहा है कि मुझे पैनिक अटैक था। तो भाई क्यों आ रहा है? तो कि मुझे बहुत हिस्ट्री ली ये वो के कुछ पता नहीं चला, उसका एक स्पेसिफिक फियर था, फियर ऑफ हाइट्स, हाइट सबको लगता है, ठीक, तो वो बोलते हैं कि मैं तो तीन तीन सीढ़ी भी नहीं चल सकता, फर्स्ट फ्लोर पे भी मैं नहीं जा सकता, मेरा सर घूमने लगता। बोला क्या हुआ? तो कि 2001 में जो भूकंप आया था तब मैं सूरत में था और तब मैं 7वें या 8वें माले पर था और अचानक से सारी बिल्डिंग हिलने लगी, पहले तो मुझे कुछ नहीं आया 2 महीने, और तीसरे महीने से मुझे ब्लड प्रेशर आया, मतलब ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो रहा, और धीरे 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 अब जब भी मैं बाइक भी नहीं चला पा रहा, जब भी मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊं। तो मैंने उसके पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए रोक रोज से शुरू किया, ऑब्वियसली सारी मेन मेरी अदर होम्योपैथिक मेडिसिन है, रोक रोज, रेस्क्यू, धीरे धीरे उसका ट्रॉमा स्टेबलाइज करने के स्टार ऑफ बैथलेहम दिया और धीरे धीरे मिमलस पे आए। तो ऐसे हम कवर करते हैं पैनिक अटैक्स, देन क्लियर द ट्रॉमा एंड द फियर इटसेल्फ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर। Thank you, Dr. Sonal. This was actually very wonderful and very easy to understand. So, in very short thing, it is like they are introverts and hesitant. Now, hesitant, as she explained it very nicely, ki wo bol to paate nahi hai. Kyunki aage kya hua tha, piche kya hua tha, that is more important. So, they are introvert and hesitant. And at the same time, इन्होंने कहा था कि वो जड़ से नहीं जाएगा बट वो बैलेंस हो जाएगा। सो यू कैन ऑलवेज कॉल इट एज आई ऑलवेज निक नेम, इट्स एन अपलिफ्टर ऑफ मूड। सो मिमलिस इज अपलिफ्टर ऑफ मूड एंड इट इज अ रेमेडी विच इज यूज टू क्योर ऑल द प्रिवेंटिव फियर्स विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस, फ्राइटफुल सिचुएशन, ड्रेडफुल सिचुएशंस, और इवन व्हेन दे आर शाय और दे हैव द क्रॉनिक फोबियाज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फिक्सेशन ऑफ माइंड, राइट, माइंड एंड थिंग्स, and when they experience even as extreme as self-observation or watchfulness over their own work, their efforts, their ventures, जो भी वो नया काम करने जा रहे हैं, and even we can say that they are deeply entrenched with the existing horrors of passing away. कोई भी या तो चला गया हो or any mishaps in their family or even the deep loneliness. वो द थॉट ऑफ डीप लोनलीनेस और द पावर्टी, या देखते हैं ना कि दुनिया में इतनी पावर्टी है, इवन दैट कैन क्रिएट अ फोबिया इन। सो इट इज बेसिकली दिस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम वेरी कंफ्यूजिंग रेमेडी, बट हियर राइट नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इट हेल्प्स इन हीलिंग एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल दोज ड्रेडफुल कंटेंट्स और द फ्राइटफुल सिचुएशंस जिनके कॉज हैं आइदर सम पर्सन और द ऑब्जेक्ट और द इवेंट्स और द सिचुएशन, and it can bring, you know, a control. A person can start controlling the mind or the things. बोलते हैं ना वो जड़ से जाना नहीं है, हमको जड़ से नहीं मिटा रहे उसको, we are trying कि balance रहे। अगर जड़ से मिटा इतना निडर हो गया कि वो खुद भी करने लग जाए, no, it has to be balance, an uplifter of mood. And at the same time, it is very helpful in nervous disorders. Right, so ये nervous disorders में I remember very well one case. I was in, we were living in Bombay. Tsunami आया था ना, and my cousin, they live somewhere in Juhu,
दे हैड अ पेट जो दो दिन से वाइनिंग और बड़ा बेचैन सा था. दे हैव सिक्स सेंस, पेट्स एनिमल्स दे हैव सिक्स सेंस. तो वो दो दिन से एक होते ना टिपिकल आवाज निकाल रहा था, समथिंग ड्रेडफुल इज गोइंग टू हैपन, समथिंग ड्रेडफुल इज गोइंग टू हैपन. और एक दिन पहले से स्टॉप्ड ईटिंग एंड स्टॉप्ड मूविंग लिटरली. एंड द डे सुनामी आया था वो इनकी सिक्स सेंस होती है. एट द सेम टाइम एनिमल्स दे आर बोलते ना, दिवाली पे आप कभी भी किसी भी बर्ड को, लिजर्ड को या एनिमल्स को आवाज करते हुए या बाहर नहीं देखोगे, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फायर क्रैकर्स, दे आर अफ्रेड ऑफ इवन क्रैकलिंग ऑफ वुड्स. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेमुलस सिर्फ हम में नहीं होता है, इट इज इवन इन एनिमल्स, इवन इन बर्ड्स, इवन एज इवन इन प्लांट्स. सो इट इज सच अ थिंग कि हमें पता भी नहीं चलेगा. देर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन मेमुलस एंड लार्ज. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गिवन इन यूनिसन. बिकॉज एक पेशेंट आपके पास आया, वन ऑफ द पेशेंट्स केम टू मी एंड सेड कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और मैं है ना मतलब मैं स्टैमर करने लगता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ. फिर पूछने पे पता चला कि क्या क्या डर लगता है, तो बोलते बस मैं है ना जब जाता हूँ तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, यू नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो फिर पूछा आपने कॉन्फिडेंस की कमी है या डर लगता है? हाँ शायद कॉन्फिडेंस की कमी. सो दिस इज अ हेयर लाइन डिफरेंस. अब इवन एट टाइम्स पेशेंट इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लार्ज कि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या मेमुलस या फियर है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव इन यूनिसन. बट येस ऑफकोर्स ट्रोमैटिक फोबियाज हटाओ पहले, उसका स्टार ऑफ बेथलेम देके बोलते हैं नहीं कि ट्रॉमा हटाओ पहले देके. सो बिकॉज द फियर्स इसका फर्स्ट साइन होता है, हमें पता नहीं चलेगा कि फियर है. हमें बता सकते हैं कि मुझे ये चीज का फियर है, आई हैव दिस फियर. बट एट द सेम टाइम वॉट हैपन्स, अ पर्सन विल बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ या दे स्टार्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड. राइट, कि जैसे मैम ने बोला सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रही है. समटाइम्स इट इज नॉट अ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ बिकॉज द पर्सन इज ट्राइंग टू यू नो टेक द स्टेयर्स. समटाइम्स द फियर इज देयर कि है ना मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ कहीं सांप नहीं आ जाए या मैं गिर नहीं जाऊं. देर आर हैज टू बी सम फियर इन लाइफ और स्पेशली विद किड्स. मैनी किड्स दे फील लाइक कि दे कैन नॉट स्विम, द फर्स्ट स्विमर, यू नो दे वॉन्ट टू स्विम बट दे कांट स्विम. सो फियर इज इनबॉर्न, फियर कम्स विद बर्थ, फियर कम्स इन द चाइल्डहुड. मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन मदर सेइंग कि खाना खा लो या घर में बैठ जाओ या वॉट एवर इट इज, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी. अब वो पुलिस का डर तो बचपन से ही बैठा दिया है, यू नो. सो मैनी अ टाइम्स आई टेल पेरेंट्स कि बच्चों में वो मत डालो. और खास करके वी इंडियंस हैव अ हैबिट कि ऐसा मत करो पाप लगेगा. बिगेस्ट फियर जो हम बच्चों में बचपन से डाल देते हैं विदाउट गिविंग एनी लॉजिक, एंड दिस इज द वर्स्ट फियर वी कैन इंस्टिल इन अ किड कि ये पाप लगेगा, वहां पे हेल में जाने से जला देंगे, कर देंगे. वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग ये फियर मुझ में भी डाला गया था, यू नो बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय इवन एट टू सम एक्सटेंट माय मदर आल्सो. बट आफ्टर रीजनिंग विद हर, आफ्टर रीजनिंग विद, सो वो रीजनिंग हर जना कोई नहीं कर सकता. सो आई वुड ऑलवेज से दैट प्लीज चेक द कॉज ऑफ द फियर फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड by giving the star of Bethlehem, जैसे मैम ने बोला, it is very important. Trauma हटाइए और वो अपने आप धीरे धीरे memories देके balance out हो जाता है. So I am done over here and back to दादा. दादा? दादा? Thank you madam. अभी आपने जो बोला ना कि बचपन से कुछ fear हम में डाले जाते हैं और आपने बताया पाप लगेगा, तो बहुत सारी लड़कियों में ये पहले से डाला जाता है कि ये चीजें पाप है. क्या पाप है मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, आप लोग समझदार है समझ गए हो. और ये पाप उसकी मैरिज लाइफ में बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करता है कि ये पाप है और अच्छी खासी मैरिज लाइफ बिगड़ जाती है. नंबर टू में अगर आपका बच्चा आ रही है ना आवाज, तो बारिश की आवाज भी आती रहेगी. अगर आपका बच्चा अभी से डरपोक है ना तो प्लीज उसको ट्रीट कीजिए, उसको थेरापी दीजिए, बेच फ्लावर दीजिए, वरना वो बड़ा होके भी डरपोक ही रहेगा. क्रॉनिक फोबिया में बदल जाता है. राइट, हाँ क्रॉनिक फोबिया में आ जाता है. और ये डर
कई पेशेंट को देखा होगा कि अगर कोई भी उसको प्रॉब्लम है, इंजर्ड है, फीवर है या कोई भी डिसीज है, जब आप उसको टच करने जाते हो ना तो चिल्ला उठेगा, मुझे मत छुओ। वो हिलने डुलने से डरता है, क्यों डरता है? तो उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा हलन चलन करूँगा या तो हिलूंगा डुलूंगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, मेरा पेन बढ़ जाएगा। ये भी मूलक है। यस एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे दादा ने बताया कि फीमेल में ऐसा होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या तो उनके मेंसेस वगैरह जो पाप है उसकी वजह से आगे इश्यूज होते हैं, वैसे भी सेम चीज मास्टरबेशन जो बच्चों को बताया जाता है लड़कों को या लड़कियों को, क्योंकि मास्टरबेट करना भी एक पाप है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे फिर वो गिल्ट ट्रिप एंड ऑल वो सब आता है। दूसरा मैं एक चीज बताना भूल गई थी, मेवलस तो है ही है, ठीक है, फियर टू ट्रीट अ फियर और अ फोबिया कोई एसेंस पिलाने से वो चीज बैलेंस नहीं हो जाए, ठीक है। फियर और फोबियाज को ठीक करने के लिए आपको उसको कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी और अ काउंसलिंग साथ में देना पड़ेगा। अगर आप उसके काउंसलर हो या तो आप उसकी मदर हो या तो आप उसकी सिस्टर हो, तो धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ के उसको वो चीज धीरे धीरे बैलेंस्ड सर्कमस्टेंसेस में उसको फेस कराना सिखाओ। जैसे फियर ऑफ स्विमिंग, फियर ऑफ वाटर, तो धीरे धीरे आप उसको आधे पानी में, फिर उससे आधे पानी में, फिर उसके आधे पानी में, साथ में आपका एसेंस। तो जो चीज जैसे किसी ने शायद पूछा है कि भाई फियर ऑफ गोस्ट है, नींद उसको नहीं आती है, सुबह ठीक रहता है, मिमलस डेफिनेटली हेल्प करेगा, पर पहले तो आप उसके गोस्ट, आप उसको काउंसिल कीजिए कि भाई गोस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ स्पिरिट्स होती है, नेगेटिव स्पिरिट्स, या तो फिर जो चीज दादा इसमें ज्यादा एक्सपर्ट है कि भाई जो चीज यहाँ पे फिजिकल है तो स्पिरिट्स भी होती है, बट दे डोंट इंटरफियर इन सच थिंग। तो उसको काउंसिल करो, उसका ये जो इल्यूजन है उसको बैलेंस करो, धीरे 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 वो चीज सामने आ जाएगी। तो कॉग्निटिव थेरापी प्लस बिहेवियरल थेरापी एंड एसेंस वुड वर्क्स अ वंडर। कोई सिंपल एसेंस पानी में डालने से नहीं हो। एंड अनदर थिंग इज दैट इट हेल्प्स to a great extent in menopause women, because I have seen many patients and basically many a times we don't need medicines, we don't need essence, it's just the therapy. And I always say counseling is a family counseling or even counseling is very important at every change of hormonal stage of a woman, especially when she touches puberty, especially when it's a childbirth time, or even at menopause. It has to be a family counseling. More than anything else, family counseling is a must. And there are number of patients which come to me, and you know, there is a discord between husband and wife regarding their married life, because many times wife says ki